दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जनता कर्फ्यू था, सरकार की तरफ से विशेष आदेश दिए गए थे कि कोई अपने घर से ना निकले, ना अपने दोस्तों से मिले, ना अपने जानने वालों से मिले, ना अपने रिश्तेदारों से मिले, सिर्फ अपने परिवार के साथ रहे। लेकिन मैं अपने कई सारे दोस्तों से मिला, मैं अपने कई सारे ऐसे दोस्तों से मिला, और आगे 31 मार्च तक भी, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 22 मार्च तक के लिए लागू था, ये सरकारी तरफ से 31 मार्च तक के लिए एक तरह से स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप लोगों से ना मिले, अपने जानकारों से ना मिले, दोस्तों से ना मिले। लेकिन मैं आज मिला, अपने कुछ दोस्तों से मिला, और आगे 31 तारीख तक मैं अपने कई सारे दोस्तों से मिलने वाला हूँ। ये मेरे सच्चे दोस्त हैं, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे दोस्त हैं, ये आपके भी दोस्त हैं, ये हमारे वो दोस्त हैं जो हमने ना जाने कब से अपनी व्यस्त जिंदगी में, हमने जाने कब से वो हमारी अलमारियों में पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। और वो सच्चे दोस्त मैं आपको मिलवाता हूँ। मेरे सच्चे दोस्त कौन है, और वो सच्चे दोस्त आपके भी हो सकते हैं। मेरे सच्चे दोस्त हैं रिच डैड पुअर डैड के लेखक, और ऐसे जाने कितनी किताबों के लेखक, रॉबर्ट टी क्यूसाकी, जो हमको सिखाते हैं कि पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट क्या होता है, यानी कि गरीब और अमीर में फ़र्क क्या है, गरीब अमीर यानी कि जो माइंड से, मतलब सोच से जो अमीर या गरीब होते हैं उनमें क्या फ़र्क है। मैं सीखता हूँ, मेरे एक दोस्त से मैं मिला, डेल कार्नेगी, जिन्होंने लिखी है किताब लोग व्यवहार, लोगों से कैसे मिलें, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करें, कैसे लोगों के बीच में बातें करें, कैसे हम समाज में उठे बैठे, कैसे हम लोगों के प्रिय बने। मेरे बीच में है रॉबिन शर्मा, मैं रॉबिन शर्मा से मिला, जिन्होंने जाने कितनी सारी लाइफ की दिए हैं कि कितने अच्छे तरीके से हम लाइफ को जी सकते हैं। इसी तरीके से मैं टेरी फेल्वर से मिला, संवाद का जादू, जिनसे मैंने सीखा कि किस तरह से बातचीत की जाती है, मैं टेरी फेल्वर से मिला। इसी तरह से बहुत सारे, ये भरत पारेख हैं, ये इंश्योरेंस के सेक्टर में बेताज बादशाह हैं, भरत पारेख, ये मैं इनसे मिला। तो इस तरह से मैं बहुत सारे लोगों से मिला, और ये सब आपके भी अपने दोस्त हैं। इन दोस्तों से मिलने से हमें कोई रोक नहीं सकता, और ये हमारे सच्चे दोस्त हैं। इनसे मिलना हमारे को ज़िंदगी में इतना ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। मैं मिला टॉम कॉनलन से, जिन्होंने 1% फॉर्मूला, एक शानदार किताब है जिसको आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि 1% का ज़िंदगी में क्या महत्व होता है। आप शिव खेड़ा, इनको तो हम सभी जानते हैं, भारतीय लेखक है शिव खेड़ा, कैसे लाइफ में कैसे सेलिंग की जाए, किस तरीके से लाइफ को जिया जाए, क्या जीने की सुन, जीत आपकी, इनकी एक बुक आपने पढ़ी होगी, कई लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा। विली जॉली, मेरे फेवरेट लेखक है विली जॉली, संकट सफलता की नींव है, ऐसी इस तरह की बहुत ज़बरदस्त किताबें लिखी हैं कि कैसे आप एक एक मिनट में अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, कैसे संकटों को आप अपनी ज़िंदगी में एज ए अपॉर्चुनिटी तरह यूज़ कर सकते हो। मैं मिला मेरे एक और गुरु 18 चैप्टर्स के राइटर मिस्टर SP भरेल से, जो सिखाते हैं कि किस तरीके से, मतलब जिन्होंने अपनी किताब में 18 चैप्टर्स में पूरी लाइफ को डिस्क्राइब करके रख दिया, बहुत ज़बरदस्त लेखक है। मैं मिला बॉब व्हील से और पॉल स्वेट से, बड़े सपने देखे, और ऐसे जाने कितनी किताबों के लेखक हैं। ये सब जो किताबें हैं ये सब आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मैं मिला मेरे फेवरेट राइटर, मेरे गुरु भी कह सकते हैं, भूपेंद्र सिंह राठौर से, जिनकी किताब है बदलें अपनी सोच तो बदलेगा जीवन, और ऐसे जाने कितनी इस तरह की किताबों के लेखक हैं भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं इनका आपको फेस भी दिखाता हूँ, जिन्होंने जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को बदला है। तो इस तरह की जो ये किताबें हैं ये आपकी सच्ची दोस्त हैं, आपकी किसी भी दोस्त, और इनसे मिलने से आपको कोरोना वायरस नहीं होने वाला है। आप बाहर किसी से मिलेंगे तो हो सकता है कोरोना वायरस हो जाए, लेकिन ये आपकी सच्ची दोस्त हैं, ये आपको कुछ सिखाएंगी, आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लेके आएंगी, आपकी वो दोस्त हैं। मैं मिला बर्क हेजिस से, आप बर्क हेजिस ज़बरदस्त लेखक है, आपका सपना किसने चुराया, बहुत ज़बरदस्त लेखक है बर्क हेजिस। और फाइनली आप 31 मार्च तक जो मैं मिलूंगा, वो मेरी सबसे फेवरेट बुक जो है, सबसे ज़्यादा जब लोग मुझसे मेरे सेशंस में मुझसे पूछते हैं कि सर आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, या आपकी सबसे पसंदीदा मोटिवेशनल बुक कौन सी है, तो मैं एक ही किताब का नाम लेता हूँ, और वो है श्रीमद्भागवत गीता। तो मैं ये मेरी सच्ची दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं जिन दोस्तों से आपको या मुझे, अगर आप भी इसको अपनाते हैं तो आपको कोरोना नहीं होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि 31 मार्च तक का समय आप इन किताबों को पढ़ने में अपना समय दें, अपना एक क्वालिटी टाइम इन किताबों के संग आप बिता सकते हैं। और क्योंकि आज हमने एक दिन की शुरुआत भी की थी, मेरा सुबह एक वीडियो आया था कि हम लोग आज का दिन सैनिटाइजेशन डे के रूप में मनाने वाले हैं, मेरे एक मित्र और हमारे 2-3 मित्रों ने, हमने फैसला किया था कि सैनिटाइजेशन डे के रूप में मनाएंगे। तो वो सैनिटाइजेशन डे के रूप में हमने आज सुबह पूरे घर की सफाई भी की, मैंने अपने परिवार के संग मिलकर के पूरे घर के दरवाजे, हैंडल, डोर्स, रिमोट, टीवी, गाड़ी की चाबियां, स्टेयरिंग्स, हैंडल, सभी चीज़ों को हमने जो है साफ़ किया,
उसके बाद पूजा पाठ भी की, उसके बाद में ये जो बुक्स हैं हमारी जो सच्ची मित्र हैं इनके संग भी अपना क्वालिटी टाइम बिताया और 31 मार्च तक यही करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस में ये समय दिया है ईश्वर ने हमको अपने समय का बेहतर यूटिलाइजेशन करने का। तो आप भी कुछ इस तरह का अगर आप कर रहे हैं तो मैं जानता हूँ कि आप कर रहे होंगे, नेचुरल सी बात है क्योंकि आप कर रहे होंगे 31 मार्च तक। आज मेरे एक मित्र का फोन आया था विवेक समाध्या का, उसने मुझसे कहा कि ये आत्ममंथन का समय, आत्ममंथन के लिए एक बेहतर समय है। वो उसका ये कहना था कि इस पीरियड में 31 तारीख तक का जो पीरियड है इसमें हमको अपने उन दोस्तों से चर्चा करनी चाहिए जिन दोस्तों को हम जब फ़ोन करते हैं या उनसे हम बात करते हैं तो वो हमेशा या तो बिजी रहते हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो आज वो कोई बहाना नहीं बना सकते। तो आप अपने नियर और डियर से जिनसे आप फ़ोन पर बात नहीं कर पाते हैं उनसे बात करिए, उनसे हालांकि बात करने में आपका समय थोड़ा बहुत ही जाने वाला है लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप समय बिताएं वो मैं आपसे यही कहूँगा कि इनके संग बिताएं। ये जो किताबें हैं ये आपकी सच्ची दोस्त हैं, इनके आसंग आप समय बिताएं। और आप अपने 31 मार्च तक का दिन कैसे बिताने वाले हैं, जैसा भी बिताएं कुछ ऐसा बिताएं जिससे लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकें, कुछ ऐसा यूटिलाइजेशन करें समय का, क्योंकि ये समय बड़ी मुश्किल से मिलता है। आज हमें चाहे डर की वजह से मिला हो कोरोना के, लेकिन ये क्वालिटी समय हमको मिला है जिसका हम बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बाकी आज 22 तारीख 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू था उसका दिन आपने कैसे बिताया, क्या आपने कुछ ऐसा समय बिताया है जिससे आपकी ज़िंदगी में और आपके परिवार की ज़िंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। यदि आपने ऐसा कुछ समय बिताया और यदि आप मुझसे वो शेयर करना चाहें तो आप मेरे ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर पर मुझे आपके वीडियो और फोटो शेयर कर सकते हैं। मेरा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 8077832176। दोबारा बोलता हूँ 8077832176। इस पर आप चाहें तो मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने अगले वीडियो में उन वीडियो और आपके फ़ोटोज़ को मर्ज करके मैं लोगों को आपके बारे में बता सकूँ। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अपना ध्यान रखें, समय को बहुत बढ़िया से बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करें। बेशक ये डर हमें कोरोना की वजह से आज हम अपने घरों में हैं लेकिन इसका हम कितना बेहतर यूज़ कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। बाकी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, बाकी जितने भी आपको सब पता ही है, हाथ धोना ये सब वो सब करना, वो अपना ध्यान रखिए। और सावधानी में ही सुरक्षा है, जैसा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो सावधानी में ही सुरक्षा है। घर पर रहें, घर का अपना जो समय है उसका सदुपयोग करें, परिवार के संग समय बिताएं अच्छा क्वालिटी, अपने नियर डियर को फ़ोन करें, उनसे बातें करें और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। फिर मुलाकात करते हैं। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।